शिमला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन पीटर हाफ में किया गया। नड्डा ने कहा कि हिमाचल में उत्साह से प्रसन्नता का वातावरण, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसके लिए सबका धन्यवाद भी किया। नड्डा ने कहा कि नया साल राममय होगा, राम ने किया सभी मर्यादाओं का पालन। इसी प्रकार भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भी राम की तरह मर्यादित रूप से जनता की सेवा करते हुए देश को सशक्त बनाएगा और इसी से देश शक्तिशाली होगा। नड्डा ने आह्वान किया कि 22 जनवरी से हम सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों में सफाई अभियान चलाएंगे। राम ज्योति को नाम पर दिवाली मनाते हुए हर घर में 5 ज्योति जलाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंडी निर्माण में भी हिमाचल का भी बड़ा योगदान है। 11 जून 1979 को पालमपुर की पावन धरती से राम मंदिर का प्रस्ताव पारित हुआ था। आज प्रस्ताव साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अटल आडवाणी पालमपुर आए थे और इस प्रस्ताव को पारित करने का कार्य किया गया था। ये हिमाचल के लिए गौरव की बात है। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, किस मकसद को लेकर के, क्या एजेंडा आपका? आज हमारी BVN के जितने भी हमारे निजी बस ऑपरेटर है उनकी एक बैठक हुई अभी इसी होटल में, और बड़े ज्वलनशील मुद्दों पे चर्चा हुई, जिससे हमारे यहाँ के ऑपरेटर भी और हिमाचल के ऑपरेटर भी दो से पीड़ित हैं। सबसे बहुत बड़ी विडंबना है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज दिन तक किसी बाहरी राज्य के आदमी को ऑल इंडिया 01 और 02 टैक्सी परमिट नहीं दिए जाते, और सरकार भी यह चाह रही है कि बाहर के लोगों को टैक्स नहीं मिलना चाहिए, परंतु कुछ अधिकारियों ने ऐसा निर्णय ले लिया है और उस पर बाहर के जो खास तौर पर चंडीगढ़, मोहाली के बहुत से ऑपरेटर ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, और आने वाली STA मीटिंग में बहुत से बाहरी लोग जो है जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट यहाँ से लेने शुरू कर देंगे। उससे हमारे जो स्थानीय निजी बस ऑपरेटर है उनका काम जो है ठप हो जाएगा। जिन फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, जिन जिन संस्थाओं में रिक्वायरमेंट आएगी, और वो बाहर के लोग उस काम को उठा लेंगे। हमारे अधिकारी सरकार के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये समझाने में लगे हैं कि बाहर की गाड़ियां अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होंगी तो हमारे को रेवेन्यू जनरेट होगा। अरे भाई, क्यों आप नेताओं को मूर्ख बना रहे हैं? जहाँ जब यहाँ इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट आएगी, किसी कॉलेज में रिक्वायरमेंट आएगी, आपको बसें लगानी हैं, तो जो स्थानीय लोग बसें लगाएंगे तो वो भी तो रेवेन्यू देंगे ना, उनकी गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड होगी, उनका भी टैक्स जाएगा। ऐसा क्या हो गया, हमारे लोग तो उनके पास नौकरी करने तक सीमित हो जाएंगे, बिजनेस बाहर के लोग लेके चले जाएंगे, इंडस्ट्री बाहर के लोग लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे पोल्यूशन खाने के लिए हमने ज़मीनें यहाँ पे दी हैं इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री पर पे, और इंडस्ट्री से जो आउटसोर्स काम है, चाहे ट्रकों का है, चाहे टैक्सियों का है, चाहे बसों का है, वो तो कम से कम हिमाचली लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आपकी हिमाचल गवर्नमेंट से कोई बात हुई है या भविष्य में कोई योजना है इस विषय में? हमारी हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन विभाग का जिम्मा है, उनके साथ हमने ये बात की है और उन्होंने अधिकारियों को बोला भी है इस बात को छांट आउट करके शॉर्ट आउट करो, परंतु अधिकारी जो है इस विषय पर रुचि नहीं ले रहे। अब पता नहीं क्या कारण है, ये हिमाचल के हितों को बेचने के बराबर है। हिमाचल का एक आदमी 100 बस नहीं डाल सकता, 150 बस नहीं डाल सकता, 50 बस नहीं डाल सकता। किसी फैक्ट्री वाले ने 25 बसें मांगनी, 30 मांगनी है, तो वो बाहर की पार्टी सीधी लगा देगी, नंबर यहाँ का रजिस्टर करा देगी। और जो माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी पीछे संज्ञान लिया, जो बाहर की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की गाड़ियां हमारे प्रदेश में धड़ाधड़ चली हैं और वो हिमाचल को कोई टैक्स नहीं दे रही थी, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। अब जब जो लोग हिमाचल आके काम करते थे बाहर से आके, जब उनकी गाड़ियां यहां रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वो जो टैक्स लगाया गया उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो हमारी पूरी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि सरकार तत्काल प्रभाव से नोटिफिकेशन करे कि बिना बोनाफाइडेड जो पुस्त दर पुस्त हिमाचली होगा उन्हीं को ही जो है यहाँ पे परमिट दिए जाएं, अन्यथा यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी और जो जितने पुराने ऑपरेटर चल भी रहे हैं उनकी गाड़ियाँ बाहर हो जाएंगी और बाहर के जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं वो यहाँ पर आकर के हावी हो जाएंगे। अगर आपकी मांगे ये सरकार ने नहीं उठाई तो आपका क्या कदम होगा अगर? आशा है कि हमारे को पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस विषय पर गंभीर है
और सरकार के साथ वार्तालाप हुई है और उन्होंने इस बात में सहमति दी है। ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र बना है जो नीचे से अफसरशाही में ये जो फैसला लिया गया है, ये वो ये इसलिए लिया गया कि 5-7-10 ऑपरेटर चंडीगढ़ मोहाली के नालागढ़ बद्दी बीबीएन में काम करते हैं। अभी आपको हम चिन्हित करेंगे 150 से ज़्यादा व्हीकल पंजाब नंबर की और चंडीगढ़ नंबर की गाड़ियां लोकल काम कर रही हैं यहाँ पे। वो अधिकार किसका था? वो हमारे किसी नीडी आदमी को, हिमाचली आदमी को व्यवसाय मिलना चाहिए था, वो भी उठा रहे। स्कूलों में भी यहाँ बाहर की गाड़ियाँ लग रही हैं। अगर ये परमिट भी बाहर के कर दिए तो हम फिर बोटें भी बाहर ही डाल देते हैं, जाके यहाँ बोट भी क्यों डालनी है? हमारी बात, हम इस यहाँ पे धूल भी हम खाएं, जमीन भी हम दें और दुखी भी हम हों, और पैसा कमाने वाला बाहर से आए, यहाँ से पैसा कमाए और चला जाए, हम उनके पास नौकरी करें, ये हमारे को बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारे को विश्वास है कि सरकार इस पर तत्काल फैसला लेगी, और अगर सरकार नहीं फैसला लेगी तो समय पे जैसी जैसी रणनीति आएगी अपने व्यवसाय को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना वो पाप नहीं है। जैसी जैसी स्थितियाँ आएंगी वैसे वैसे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और एक और बड़ी बात, पिछले 2 वर्षों से हिमाचल परिवहन विभाग ने 02 बसें थी जो उनका टैक्स नहीं निर्धारित किया था। हमारे बार बार आग्रह करने पे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और इनका जो है टैक्स निर्धारित कर दिया, और उस टैक्स की नोटिफिकेशन हुई कि 1 दिसंबर 2023 के बाद इन बसों का टैक्स इस प्रकार से लिया जाएगा, परंतु उसमें भी शरारत हो गई। अब जो हमारा अधिसूचना, बड़ी सोच समझने की सुनने की बात है, अधिसूचना लागू होने की तारीख है 1 दिसंबर 2023, और जब हमारे लोग जा रहे हैं टैक्स जमा करने, रेगुलराइज करने के लिए, तो वो 2 साल पीछे का टैक्स उठा रहा है। ये बड़ी अपने आप में बड़ी उचित बात है कि नोटिफिकेशन लागू हो रहा है 2023 में, वो 21 जनवरी 2021 से टैक्स उठा रहा है और उस टैक्स के ऊपर पेनल्टी भी उठा रहा है, जिस कारण हमारे हिमाचल के जो बस ऑपरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो टैक्स देना भी जा रहे हो, पिछले टैक्स की लायबिलिटी जो जबरदस्ती गड़े में पड़ रही है उसकी वजह से वो जमा नहीं करा रहे, और आज बहुत अधिकांश ऑपरेटरों की बसें जो है पासिंग और परमिट रिन्यूअल की वजह से खड़ी हो गई हैं। और जो ये टैक्स लगाया 1 दिसंबर 2023 से, बाहर की गाड़ियों ने पीछे 10-15 साल टैक्स नहीं दिया और इस महीने से 1 महीने का टैक्स जमा करा के उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल रेगुलराइज हो गई। अब उस चीज़ का, इस नोटिफिकेशन का फायदा किसको हुआ? बाहर के लोगों को, हमारी बसें फिर रहेगी। हमने गलती करी है कि हिमाचल में हम अपनी गाड़ी रजिस्टर कराई, अगर हमारी गाड़ी बाहर के नंबर होते तो हमारे को भी दिक्कत नहीं होती। हमारी सरकार के आगे विनम्र प्रार्थना है कि ये जो टेक्निकल मिस्टेक है इसको तत्काल ठीक करें, इसकी जो नोटिफिकेशन लागू होने की तरीके है उस तरीके से आगे का टैक्स लें, और पीछे की पेनल्टी और टैक्स जो क्रिएट कर दिया वो बिल्कुल गलत है, वो हमारी गलती नहीं है। निर्धारित करना सरकार का काम था, हम तो टैक्स देना चाह ही रहे थे, दे ही रहे थे, बार बार आग्रह कर रहे थे, लिख के दिया, और हमारे आग्रह पे ही डिप्टी सीएम साहब ने इसको तत्काल करके, उनके जब ध्यान में आई हुई ऐसी दिक्कत है तो उन्होंने ये किया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।